हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फ्रेश न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ डीओ बोट्स F40 का, जो कुछ ही दिनों पहले ये लॉन्च हुए थे और मैंने ये इसको परचेस कर लिया। 1000 रुपये में इसको मैंने परचेस किया था। और मैं कुछ कुछ बात मैंने बता देता हूँ कि ये इसमें टाइप सी पोर्ट, फास्ट चार्जिंग, ब्लूटूथ 5.1 इसमें आपको मिल जाएगा और 50 आवर्स की टोटल एवरेज आपको बैटरी लाइफ इसमें मिल जाएगी और 30 mm ड्राइवर के साथ बास बूस्टेड इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने जा रहा हूँ एक दिन डेढ़ दिन का यूज़ करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो आपने अनबॉक्सिंग तो देख ली होगी, तो मैं मेरा ओपिनियन इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो 50 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको इसमें मिल जाएगी और ओवरऑल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैटरी लाइफ में हो सकता है। वॉल्यूम और आपका कितना यूजेज है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। और बेस के बारे में बात करते हैं, तो बेस आउटपुट जो है वो आपके इसके डिज़ाइन और आपके कान के होल के अनुसार आपको डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी की पर्सन, कोई भी पर्सन का जिसका जो कान का होल है थोड़ा सा बड़ा निकला तो ये जो कंफर्टेबल ये फिट आपके कान में नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा होल छोटा होगा तो ये कंफर्टेबली फिट होएगा और थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये फिसलने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप स्वेट कर दें, जिम के दौरान पहन दें तो ये आसानी से फिसल जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसके हिसाब से एकदम प्रीमियम क्वालिटी ये आपको डिज़ाइन देने वाला है, बट आपको बेस वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा तो ही आपको ज़्यादा बेस सुनाई देगी। मतलब ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दी है, ऐसे ही मैंने पहन ली है और थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रेस करूँगा तो ही आपको एक बेस वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी थोड़ा सा नॉइज़ भी इसमें आपको ज़्यादा सुनाई देने वाला है। तो ओवरऑल 30 mm ड्राइवर का भाई काम तो इसमें बन रहा है, बट आपके कान के जो कंस्ट्रक्शन है आपका भाई, जन्मजात कान का कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा छोटा होगा तो ये मस्त तरीके से फिट आएंगे, होल बड़ा होगा तो ये मस्त तरीके से फिट नहीं आने वाले हैं। तो कुछ जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा तो ही ये फिट आने वाला है। और इसमें माइक दिए गए हैं आपको, पिछले वाले मैंने वर्जन में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें माइक, दो माइक दिए गए हैं जो कॉल्स के दौरान आपको मदद करेंगे और थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह में सामने वाले को नहीं जाएगा। ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो इसमें भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। और ओवरऑल मैं लेटेंसी की बात करूँ, अगर हम गेमिंग करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम गेम प्ले करते हैं, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लेटेंसी वगैरह जो है वो इसमें काफ़ी प्लेएबल है। मतलब एकदम ज़ीरो लेटेंसी तो आपको नहीं मिलने वाली, पर काफ़ी प्लेएबल लेटेंसी आपको मिलने वाली है। बट अगर आप CS:GO, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसी CS:GO फर्स्ट पर्सन शूटर जिसमें एक एक MS का भी कीमत लगता है, एक MS मतलब एक मिली सेकेंड का भी कीमत लगता है, ऐसी गेम में, CS:GO जैसी गेम में ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देगा, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स टाइम आपका ज़्यादा एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो ही आप उसमें अच्छी किल कर सकते हैं। तो लेटेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो आपको उतना ही, आपका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपका
इवेंचुअली कील जो है वो आपका कम होगा। तो मैं तो बेटर कहता हूँ कि भाई आप वायर्ड जो ऐसे हेडफोन आते हैं इसमें ज़ीरो लेटेंसी आती है, तो ये ऐसी गेम में यूज़ करें तो बाकी बढ़िया, बाकी कैजुअल गेमिंग में तो ये काम मस्त तरीके से करने वाला है। मैंने इसमें कॉल क्वालिटी टेस्ट भी किया हुआ है, माइक टेस्ट भी किया हुआ है, काफ़ी ओवरऑल जो इसमें मुझे लगा था F60 में इतना ही जो माइक क्वालिटी है वो मुझे लगा एकदम आप सामने वाले को आपका आवाज़ मतलब नॉर्मली आपको सुनाई देगा, इसी ऐसी इसकी कॉल क्वालिटी है। तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये में तो भाई आँख बंद के कर करके लेना चाहिए, इसमें कोई भी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं लगा है। एक प्रॉब्लम मुझे लगा है कि आपका कान का ईयर का जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये फिसलने के चांसेस ज़्यादा है, कोई एडजस्टेबल इसमें नहीं दिए गए हैं। थोड़ा सा छोटा होल होगा तो आपको बेस भी ज़्यादा सुनाई देगी और ये फिसलेगा भी नहीं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कोई भी सवाल हो जो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करिए, उसमें भी कमेंट करिए, यूट्यूब में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, नीचे भी कमेंट करिए, जो भी आपका सवाल हो तो उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी वाली अच्छी वाली प्रोडक्ट में रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।